हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हर्चू में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने वाले हैं, वो भी सोयाबीन से। तो इस तरीके से आप एक बार बनाइएगा ज़रूर। तो सुबह सुबह अगर आपको जल्दी में कहीं जाना है, आपको टेस्टी नाश्ता खाना है, तो आप इसको चाय के साथ भी बनाकर खा सकते हैं या कोई भी चटनी सॉस के साथ इसको बनाकर खा सकते हैं। तो बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो ये मैंने सोयाबीन को पहले से भिगो कर रखा है, तो बस आप इसको 15-20 मिनट तक भिगो कर रखिए। उसके बाद इसका सारा पानी निकाल लीजिए। तो मैंने सोयाबीन का सारा पानी निकाल लिया है, अच्छे से इसको धुल लिया है। तो देखिए सारा पानी इसका निकल गया, तो आपको अच्छे से इसका सारा पानी निचोड़ लेना है। तो मैंने एक पैकेट सोयाबीन लिया था, उसको भिगो कर रख दिया था। तो आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो और सोयाबीन ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो अब इसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर। तो मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो जितना तीखा आप खाना चाहते हैं उतना लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, और इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, और इसमें डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। तो चाट मसाला डालने से और भी टेस्टी होता है। तो इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो इन सारी चीज़ों को डालकर अब इसमें हम डालते हैं चावल का आटा। तो मैंने 2 चम्मच चावल का आटा इसमें लिया है, और 1 चम्मच इसमें हम डाल देते हैं मैदा। तो बस इसको डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। तो अपने हाथों से हम इसे मिक्स कर रहे हैं। अगर ये सूखा लगेगा तो इसमें हम बाद में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो पहले हम ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। तो आपको इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो आपको अगर ये सूखा लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं, और फिर इसको डालकर मिक्स कर लेते हैं। अगर फिर पानी कम लगेगा तो थोड़ा सा हम इसमें और डाल देंगे। तो एक बैग आपको सारा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालिए और इसको मिक्स करते रहिए। तो बहुत ज़्यादा आपको गीला भी नहीं बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा सूखा बनाना है। तो देखिए बस ऐसे ही आपको बनाकर तैयार कर लेना है। तो सारे मसाले इसमें अच्छे से लग गए हैं, अब इसको हम तलने के लिए रख देंगे। तो इसके लिए मैंने लिया कढ़ाई, उसमें हम डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। तो ऑयल को हम कुछ देर गर्म हो जाने देते हैं, उसके बाद हम इसमें तलेंगे सोयाबीन को। तो एक एक करके हम सारे सोयाबीन को इसमें डाल देते हैं। तो सारे सोयाबीन को डालने के बाद हम कुछ देर इसको ऐसे ही होने देंगे, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो बस सारा सोयाबीन मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम चम्मच से पलट देंगे। तो सारे सोयाबीन एकदम अलग अलग हैं, एक में बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं। तो बहुत ही आसानी से ये पलट जा रहा है। तो कुछ देर इसको होने दीजिएगा और इसको चलाते रहिएगा, बीच बीच में पलटते रहिएगा, ताकि अच्छे से दोनों तरफ से हो जाए। तो जब ये एकदम डार्क ब्राउन कलर का हो जाए तभी हम इसको निकालेंगे। तो तब तक इसको हम चलाते रहेंगे। तो जब आपको कोई भी नाश्ता समझ में ना आए और आपको जल्दी में कुछ बनाना हो, तो आप ये टेस्टी सा नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। तो ये सोयाबीन का झटपट नाश्ता बन जाता है। तो जब भी आपका कुछ कुरकुरा टेस्टी खाने का मन करे तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं झटपट। तो देखिए हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये रेसिपी आप एक बार बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा उनको, हर बार आपसे जिद करेंगे यही खाने के लिए। तो इसे आप चाय के साथ गर्मा गर्म खाइए तो और भी अच्छा लगता है, और बरसात का मौसम है, कुछ टेस्टी और कुरकुरा नाश्ता हो तो और भी अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए सारा मैंने निकाल लिया है, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये रेडी है खाने के लिए। तो मैंने इसको निकाल लिया है, अब दूसरा वाला भी ऐसे हम इसमें तल लेंगे। तो बस एक एक करके इसमें हम डाल देते हैं, और कुछ देर के बाद हम इसको पलटेंगे डाल के। आपको तुरंत नहीं पलटना है, बस कुछ देर के बाद इसको पलटें। तो जितना उसमें आ सके उतना ही डालिए, ज़्यादा मत डालिए नहीं तो एक में चिपक जाएगा। तो बस हम इसको पलट देते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ज़्यादा सामान का भी यूज नहीं किया, बहुत ही कम सामान में बन गया है, और एकदम झटपट बनने वाली रेसिपी है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। जब भी आपको जल्दी जल्दी में बनाना हो तो आप इसे बना सकते हैं। तो इसको भी हम ऐसे बराबर चलाते रहेंगे, और जब ये हो जाएगा अच्छे से तभी हम इसको निकालेंगे।
तब तक आप इसको बराबर चलाते रहिए ताकि दोनों तरफ से अच्छा कलर इसका आ जाए, गोल्डन कलर का एकदम हो जाए। तो अब इसको भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो सारा मैंने निकाल लिया है। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, बहुत ही कुरकुरा टेस्टी ये नाश्ता बनके तैयार है। गर्मा गर्म चाय के साथ आप इसको खाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको हम एक तोड़ कर दिखाते हैं हाथों से, तो देखिए अंदर से भी कितना बढ़िया है। तो एक बार आप इस सोयाबीन के नाश्ते को बनाकर खा लेंगे तो फिर हर बार आपका यही खाने का मन करेगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए इसका आवाज़ हम आपको सुना रहे कितना ये कुरकुरा बना है, बहुत ही कुरकुरा और टेस्टी ये नाश्ता है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।